सो वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होके घर पे होंगे। स्टे होम स्टे सेफ गाइज। सो जैसा कि आप मेरी वीडियोस को सुनते आ रहे हो, हमने लास्ट वीडियो में कुछ हमारे सोशल एस्पेक्ट्स कंप्लीट किए थे एंड हमारे बेनिफिट्स स्टार्ट किए थे कि हमारे बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सो अब हमारी टर्न आती है ये पढ़ने की, बेनिफिट टू डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेल्समैन क्या है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में, या किसी भी चैप्टर में, या किसी भी रेंडम पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड। और प्लीज़ थोड़ा वीडियो को शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम से चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, कुछ कमेंट्स करके, नेगेटिव कमेंट्स करके उसको अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसे डीमोटिवेट मत करो। अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को तभी सब्सक्राइब करें। सो प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स वी स्टार्ट। बेनिफिट्स टू डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेल्समैन। सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए ईजी सेलिंग हो जाती है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, ज़्यादा उन्हें बताना नहीं पड़ता, डिटेल में नहीं इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के थ्रू बायर्स ऑलरेडी प्रोस्पेक्टिव हो चुके हैं, उन्हें ऑलरेडी अवेयर हो चुके हैं, वो उन्हें पता है कि क्या बेनिफिट्स है, क्या प्राइस है, क्या मेथड को यूज़ करने का है। जस्ट उन्हें रिटेलर और मार्केटर को अपना टाइम स्पेंड करने की कोई नीड नहीं है। नो नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग बाई डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर को एडवर्टाइजिंग देने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में। इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट। जो उनका टर्नओवर आता है स्टॉक में बहुत जल्दी आता है, और उनका स्टॉक भी काफ़ी जल्दी ऑब्सोलेट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, और जो रिटेलर्स हैं, जो हमारे होलसेलर हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इंश्योर रेगुलर सेल्स। वो ये देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की सोल्ड है वो थ्रू आउट द ईयर कितने पीरियड्स में हुई, कितने टाइम में हुई, और हमारे कौन कौन सी वेरियस स्कीम्स थी जो हमें टारगेट ऑडियंस को देनी पड़ी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, और जो हमारी सीजनल स्लम्स है उसे रिड्यूस करती है एडवर्टाइजिंग, वो जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है, स्टेडी डिमांड है, उसे मेंटेन रखती है थ्रू आउट द ईयर, और रेगुलर सेल्स होने की इंश्योरिटी देती है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हमारे सेल्समैन को। उसके बाद है इंक्रीज इन मोरल ऑफ सेल्स एंड फोर्स। जो हमारी सेल्स हो रहा है उसमें मोरल इंक्रीज़ करती है प्रोडक्ट्स का, जो इजी एंट्री होती है हमारी सेल्स गोल्स की, उन्हें इजीली अचीव कर पाते हैं वो लोग वेल एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट के थ्रू, और हायर कमीशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलती है हमारी सेल्स प्रमोशन के साथ साथ। उसके बाद है लेस प्राइस बारगेनिंग। हम बारगेनिंग नहीं होती है प्रोडक्ट्स में, जो कस्टमर है वो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को जो हमने एडवर्टीजमेंट के थ्रू दिया हुआ है, तो प्राइस बारगेनिंग इज अवॉइडेड। सेलिंग न्यू प्रोडक्ट्स। जो हमारी एडवर्टाइजिंग है उसमें हम प्राइमरी एंड सेलेक्टिव डिमांड को साथ साथ रखते हुए हमारी जो न्यू प्रोडक्ट है उन्हीं की डिमांड करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर को काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है जब उन्हें न्यू प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है। उसके बाद हमारे बेनिफिट्स हैं सोसाइटी को लेके, कि हमारी सोसाइटी को क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे एडवर्टीजमेंट के थ्रू। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, जो अवेलेबिलिटी है मीडिया की वो लो प्राइस में अवेलेबिलिटी होती है। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इन पॉइंट्स को, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको कर चुकी हूँ, तो आपको ईजिली होगा अंडरस्टैंड करना। इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम एंड इकनॉमिक ग्रोथ। जो हमारी इकनॉमिक ग्रोथ और नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज़ होती है ड्यू टू हमारी एडवर्टीजमेंट, क्योंकि एडवर्टीजमेंट हमारी डिमांड क्रिएट करती है, हमारे न्यू प्रोडक्ट्स को फाइंड करने में हेल्प करती है, और प्रोडक्ट जो हमारी पब्लिक है उन्हें प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए बढ़ावा देती है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। जो हमारी एक्सपोर्ट है वो भी इंक्रीज होता है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट तक भी इनफ्लो और आउटफ्लो होता है उन प्रोडक्ट का, फॉरेन एक्सचेंजेस होते हैं। कल्चरल एडवांसमेंट भी की जाती है, जैसे कि जो हमारे कल्चर्स हैं हमारे इंडिया के या थ्रू आउट द आउटसाइड द कंट्री, उन्हें हम रूरली रेमरली हम मॉडर्न कल्चर के साथ साथ उन्हें अपनाते हैं। हमारी जो अननेसेसरी कस्टम एंड ट्रेडिशन है उनको भी हम ब्रेक नहीं करते हैं, मतलब ब्रेक कर देते हैं अननेसेसरीज को। एनकरेजमेंट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है हम उसको भी ज़्यादा प्रेफरेंसेस देती है, जो हमारी ब्रांड प्रेफरेंसेस हैं, जो हमारी
क्वालिटी है प्रोडक्ट की या फिर प्राइस को रिड्यूस करना है तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू ही करते हैं। इंक्रीज कंसर्न फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो हमारी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसको भी हम साथ साथ मेंटेन करते हैं हमारी एडवर्टीजमेंट के थ्रू। हम प्रमोट करते हैं कि हमें वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इनसे इनको रिड्यूस करना चाहिए और अवेयर करते हैं पीपल्स को कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इज एडवर्टाइजिंग अ वेस्ट, क्या एडवर्टाइजिंग वेस्ट है? आप बताइए, वेस्ट है? कुछ लोगों का जवाब होगा हाँ, कुछ का होगा नहीं। तो हम पहले ऑब्जेक्टिव ही देख लेते किस वजह से हमारे है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है हमारे, इंक्रीज इन कॉस्ट एंड प्राइस, एब्सोल्युटली हमारी जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ा देते हैं, कंज्यूमर्स को रेज प्राइस कर देते हैं, इवन हमारे प्रोडक्ट्स की भी प्राइस हाई हो जाती है। नो इंक्रीज इन रियल डिमांड, रियल डिमांड में कोई इंक्रीज़ नहीं होता, वो वहीं की वहीं रहती है, जो वन बिजनेस यूनिट है वो बिजनेस यूनिट ही रहती है, कोई ट्रांसफर शेयर नहीं होता। रिस्ट्रिक एंट्री ऑफ न्यू बिजनेस यूनिट्स, जो हमारे न्यू बिजनेस यूनिट्स हैं उनकी एंट्री आने में काफ़ी दिक्कत आती है, मतलब पर्टिकुलर कंप्लीट पॉपुलर ब्रांड नहीं होता उनका, जो उन्हें पॉपुलरिटी चाहिए वो स्मॉल साइज में इंक्रीज होता है, ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं हो पाती। कंज्यूमर्स के चॉइसेस कम हो जाते हैं बिकॉज जो पॉपुलर ब्रांड है सिर्फ वो आपको वही अवेलेबल होगा, आपको उसमें कोई डिफरेंट क्वालिटीज़ नहीं होगी। फर्दर वाइडन बिजनेस साइकिल्स, जो हमारी बिजनेस साइकिल है वो भी आएंगे हमारे न्यू प्रोडक्ट में, एडवर्टिंग बूम, रिसेशन साइकिल, डिप्रेशन, रिकवरी, ये सारे पीरियड्स भी फेस करने पड़ेंगे हमारे एडवर्टीजमेंट को या फिर हमारे प्रोडक्ट्स को, न्यू प्रोडक्ट को। वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, जो हमारे नेशनल रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज होती है, जैसे कि मॉडिफिकेशन कर देना हमारी हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, उसको रिप्लेस करके या फिर उसको डिस्कार्ड कर देना, मतलब जो हमारे लोकल ब्रांड है उसमें अपनी कुछ इस तरह से डेवलपमेंट कर देना कि जो हमारा रियल रिसोर्स है, जो हमारा रिसोर्स है उसे ख़त्म करके टेक्नोलॉजी ज़्यादा लगा देना, और जो कि आज के टाइम पे लोग कम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट पर इतनी जल्दी नहीं, इतनी ग्रोथ नहीं हो रही उस चीज़ की। क्रिएट मोनोपोली, जो एडवर्टीजमेंट है कॉम्पिटिशन डिस्करेज करता है। एक्सेसिव एक्सपेंसेस है हमारी एडवर्टाइजिंग पे, जो ह्यूज एडवर्टाइजिंग बजट है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो फेस ही नहीं कर सकते एग्जिस्टिंग बिजनेस को, हमारे जो कॉम्पिटिशन है। तो क्या होता है, जो हमारी बिजनेस यूनिट है वो मार्केट को लीव कर देती है और जो होर मार्केट है उस पर कंट्रोल कर लेती है। जैसे इन द मार्केट डिटर्जन है, 90% हमारा सर्फ एक्सेल है, ठीक है, बट क्या होता है कि एयर है जो एरियल का है जो, उसको भी बढ़ावा दे दिया है हमारी, मतलब क्या है इन दोनों में डिफरेंस ही क्या है, दोनों इतना ही काम करते हैं, बस ब्रांड ही तो अलग है, तो वो चॉइसेस रिड्यूस कर देता है। उसके बाद है सोशल ऑब्जेक्टिव, मिसलीड कंज्यूमर बाय शोइंग डिस्ट्रीब्यूट एडवर्टाइजिंग। कई बार हम धोखे धड़ा वाली एडवर्टीजमेंट दिखा के अपने कंज्यूमर्स को मिसलीड करते हैं, उन्हें निराश करते हैं, जिस वजह से वो बिलीव करना छोड़ देते हैं एडवर्टाइजिंग में, वो सोचते कि फेक होगी, रियल नहीं होगी, वो आप डेमो दिखा लो, प्रैक्टिकल दिखा लो, उसके बाद भी वो भरोसा नहीं करेंगी, ड्यू टू क्योंकि वो जो कुछ एड्स ऐसी होती है जो फेक दिखाती है, जिस वजह से वो कंज्यूमर बिलीव ही नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है एड डिस्टोर्ड कल्चर, जो एड्स है वो हमारे कल्चर को डिस्टोर्ड कर देती है, ख़त्म कर देती है, जैसे कि सिगरेट्स, अल्कोहल, तंबाकू, दीज आर द प्रोडक्ट्स, जो स्मोकिंग एड्स है वो पर्सनैलिटी को या फिर वाइन सिंपल ऑफ फ्रेंडशिप, इन सबको ये रोंग से लोग इनको यूज़ करती है, जो कि ऐसा नहीं है। जंक फूड एड है, जो हमारी बच्चों की फूड एड्स को, मतलब खाने की हैबिट को बिगाड़ रहे हैं, तो ये जो कस्टमर है, कल्चर्स हैं, इनको डिस्ट्रॉय भी कर रही है, जिस वजह से पीपल ज़्यादा देखना उन्हें पसंद नहीं करते हैं। कंट्रोल ऑन एडवर्टाइजर ऑन मीडिया, जो मीडिया जो एडवर्टाइजर है उसका कंट्रोल रहता है मीडिया के ऊपर, कि उसे कब क्या शो करना है, वर्गल शो करना है या फिर इंटेंसिव शो करना है, को नेगेटिव पॉइंट्स देने हैं या फिर पॉजिटिव देने हैं, वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। उसके बाद है प्रमोट मटेरियलिज्म, मतलब क्या है, जो अननेसेसरी थिंग्स है वो ना दिखाए, जस्ट अपने प्रोडक्ट के बारे में दिखाए और वही चीज़ दिखाए जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब मटेरियलिज्म, वो मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें, दे कांट अफोर्ड और मेंटेन, वो प्रोडक्ट ना दिखाए जो वो मेंटेन और अफोर्ड नहीं कर सकते।
बैड इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज कई बार वो इतनी वल्गैरिटी दिखा देते हैं, वॉयलेंस दिखा देते हैं, सेक्स पॉल्यूशन दिखा देते हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है बच्चों के ऊपर, जैसे ड्रेस स्टाइल, फूड हैबिट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो फूड लाइक मैगी, नूडल्स, पिज़्ज़ा, ब्रेड, उनके ऊपर पड़ता है। होलसम मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स इंस्टेड ऑफ दिस, अगर वो दिखाएं कि आपके लिए हेल्दी ये है, तो बच्चे को पास पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। बट उनके फूड जंक दिखाने से, मैगी पिज़्ज़ा दिखाने से, तो बच्चों के ऊपर काफ़ी गलत इफेक्ट पड़ता है। अंडरमाइन द पोजिशन ऑफ वुमेन एंड एज पर्सन, जो हमारी हाउसवाइफ है, सेक्स ऑब्जेक्टिव है, उनको उनका ये रोल ना शो करते, जैसे कि प्रोफेशनल डिसीजन मेकर की पोजिशन, ये वाली चीज़ें ना शो करके वो दिखाते कि डिपेंडेंट है, सिक है, हेल्पलेस है, ये सारी पोजिशन दिखा के उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं एड्स के थ्रू। फिर है मोरल डिग्रेडेशन, क्या है, जो हमारी डे टू डे प्रोडक्ट्स हैं वो अटेंशन गेन कर रहे हैं व्यूअर्स की, बट इफेक्ट पर्टिकुलर इफेक्ट इनके बच्चों के ऊपर, यूथ के ऊपर पड़ रहा है, और कई बार तो सेक्सुअल अपील मेड करना अननेसेसरी होता है, जैसे प्रोडक्ट शेविंग क्रीम हो गई, प्रोडक्ट इज एंटिसिपेटेड, प्रोटेक्ट द स्क्रीन, तो दीज आर द एड्स जो वॉयलेट करती हैं। ठीक है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, कई बार इतना अनसिक्योर फील करा देते हैं पर्सन को, माइंड को, तो वो परचेज ही नहीं करते प्रोडक्ट को। क्रिएट आर्टिफिशियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कई बार क्या होता है कि नकली नकली प्रोडक्ट्स बना के, आर्टिफिशियल बना के उन्हें सेल कर देते हैं, एंड दीज आर द अदर ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपको ऑलरेडी पता है। सो इसी के साथ आज हम वीडियो का एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग इज जस्टिफाइड। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। सो वीडियो को आप सुन लेना अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।